जो पाकिस्तान की टीम 9 जून को इंडिया को हराने के सपने देख रही है, उसी पाकिस्तान टीम को कल यूएसए जैसी टीम ने बुरी तरह से हरा दिया। जी हां दोस्तों, दरअसल पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने बेहद ही खराब बल्लेबाजी की और बड़ी ही मुश्किल से अमेरिका को 160 रनों का टारगेट दे सके। और फिर सबको लगा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसमें शाहीन अफरीदी, हैरिस रौफ, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर जैसे चार तेज गेंदबाज हैं जो इस टारगेट को आसानी से डिफेंड कर लेंगे। लेकिन अमेरिका ने कल पाकिस्तान की एक न चलने दी और स्कोर को टाई कर लिया। मैच टाई होते ही बाबर आजम हैरिस राव पर भड़क गए कि ये क्या घटिया गेंदबाजी की है, क्योंकि आखिरी गेंद पर अगर चौका ना लगता तो पाकिस्तान वही मैच जीत सकती थी। लेकिन फिर सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने बेहद ही खराब गेंदबाजी की और अमेरिका ने 18 रन जड़ दिए, जिसे पाकिस्तान की टीम चेज नहीं कर सकी और इस रोमांचक मैच के सुपर ओवर में अमेरिका से बुरी तरह से हार गई। और अब इस हार की वजह से पाकिस्तान की टीम को खूब ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि अगर वे यूएसए जैसी टीम को नहीं हरा सकी तो 9 जून को इंडिया को कैसे हरा आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान की इस हार पर आपका क्या कहना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।